हम यूज़ करने वाले हैं दो ट्विटर स्पीकर जो कि 16 वॉट और 4 ओम के हैं। साथ ही हम यूज़ करने वाले हैं 4 ओम और 30 वॉट का एक सबवूफर, और इसके साथ ही हम यूज़ करने वाले हैं TDA 2030 IC का बोर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सभी 2.1 होम थिएटर में आपको इसे आसानी से देखने को आपको मिल जाएगा। इसकी वायरिंग भी हम कंप्लीट आज इस वीडियो में समझेंगे, और हम इसमें यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये जो किट है ये 12012 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर वर्क करती है। तो ये हमारा 12012 और 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। साथ ही हम इसमें लगाने वाले हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक मोबाइल चार्जर की किट, क्योंकि जब भी हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर सप्लाई देते हैं हमारे इस बोर्ड से, तो हमारे कंप्लीट सर्किट में यानी कि हमारे कंप्लीट स्पीकर में एक हमिंग की प्रॉब्लम आती है। यदि हम इस प्रकार का एक सर्किट लगा देते हैं एडिशनल, तो हमारी जो हमिंग की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। यदि आपके होम थिएटर में या फिर आपके साउंड बार में हमिंग की प्रॉब्लम है, तो आप इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ एक एडिशनल सप्लाई लगाएं ताकि हमिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। और साथ ही हम यूज़ करने वाले हैं बेस के लिए एक वॉल्यूम कंट्रोलर जो कि 50K का है। सबसे पहले हम 2030 IC बोर्ड का जो है कनेक्शन कर लेते हैं, इसकी वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर SP लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें स्पीकर आउटपुट मिलता है। यहाँ पर 12012 लिखा हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पर 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है 12012 का। और साथ ही यहाँ पर हमें बूफर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर हमें बूफर कनेक्ट करना है। और यहाँ पर हमें बूफर कंट्रोल के लिए, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक नॉब लगाना है, यानी कि हमारा पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर हमारा ये इनपुट सेक्शन है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा इनपुट सेक्शन है। तो इसमें हमें 5 वायर मिलती हैं, बट हमें इसे 5 वायर को यूज़ नहीं करना है, केवल हमें इसमें से 3 वायर को ही यूज़ करना है, जो कि हमारा एक रहेगा ग्राउंड। ग्राउंड हमारा ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो स्पीकर आउटपुट है, उस साइड से आप यदि देखें तो हमारा जो फर्स्ट पिन है और सेकंड पिन है, हमें सेकंड पिन पर एक कनेक्शन करना है, और लास्ट वाली जो पिन है यानी कि 5th नंबर की पिन पे हमें एक कनेक्शन करना है। ये हमारे ऑडियो इनपुट के कनेक्शन रहेंगे। ग्राउंड हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, सेकेंड नंबर की पिन पर हमें कनेक्शन देना है, और 5th नंबर की पिन पर हमें कनेक्शन देना है। तो ग्राउंड, लेफ्ट, राइट हमारे ये कनेक्शन हो जाएंगे। ये हमारे साउंड बार का बॉक्स है जो कि हमने घर पर ही बनाया है। इसका वीडियो हमने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है, इसे हमने आरी से कट करके ही घर पर बनाया है। यदि आप चाहते हैं कि इसका भी एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, उसका ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे और इसके ऊपर भी हम एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हम फर्स्टली एक सभी स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बूपर स्पीकर कनेक्ट होगा, और साइड में हमारे दोनों ट्विटर स्पीकर कनेक्ट होंगे, और यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल किट कनेक्ट होगा। बाकी की जो वायरिंग है वो हमारे ऊपर का जो बैक पैनल है उस पर हम कनेक्शन करेंगे। तो हम तीनों स्पीकर में यहाँ पर वायरिंग कनेक्ट कर लेते हैं।
अभी हमने तीनों स्पीकर का कनेक्शन कर लिया है और अब हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे फोकस कर देता हूँ। यहाँ पर हमें लेफ़्ट राइट और ग्राउंड और VCC इनपुट मिलता है। तो हम यहाँ पर जो वायरिंग है उसे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने किट की जो वायरिंग है उसे कंप्लीट कर लिया। ब्राउन वायर जो है वो हमारा प्लस टर्मिनल रहेगा, ब्लैक वायर हमारा ग्राउंड रहेगा, और इसी प्रकार जो हमारा ग्रीन वायर है ये ग्राउंड है, और येलो और हमारा जो ब्लू वायर है ये हमारा लेफ़्ट इन और राइट इन है। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पर फिट कर लिया। अब इसे हम यहाँ पर दो स्क्रूप लगा करके कस देंगे। अब हम इस किट को सप्लाई देने के लिए एक चार्जर का मॉड्यूल इसमें फिट कर लेंगे, और इसमें जो AC सप्लाई है वो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। AC के लिए ये हमारा वायर है, इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी एक होल बना कर रखा है यहाँ पर, तो इस वायर को हम यहाँ पर इसमें इनपुट कर देंगे। यहाँ से हम इसे इनपुट करेंगे। इसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और हमारा जो वायर है वो हमारा यहाँ पर आ गया है। ये हमारा मेन AC वायर है जो कि हमारे किट के साथ कनेक्ट होगा। इस किट के साथ हमें इसका कनेक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें AC इनपुट देकर के 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा जो कि हमारे इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होगा, और ये जो AC इनपुट है ये हमारे ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पर हमने इस मॉड्यूल को इस AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया है, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट के साथ हम हमारा जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। इसके बाद ये जो दोनों टर्मिनल हैं ये हम ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस बैक पैनल पर बाकी सारी वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है। यहाँ पर हम दो होल करके ट्रांसफार्मर को यहाँ पर कस देंगे। साथ ही हमारी जो MP3 किट है, यानी कि हमारी ऑडियो किट, इसे हम यहाँ पर कस लेंगे। पैनल पर यहाँ पर ऑडियो किट को कस लिया है, और यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को भी कस लिया है दोनों पैच से, तो आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे आउटपुट के वायर हैं ट्रांसफार्मर के, यहाँ पर हमें 12-0 वायर का जो हमारा कनेक्शन है वहाँ पर हमें कनेक्ट करना है, और ये वायर हमें डायरेक्ट AC में कनेक्ट करना है। तो चलिए इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ही हमने ट्रांसफार्मर में 3 वायर कनेक्ट कर लिए हैं जो कि हमारे 12-0-12 की कनेक्शन है। ये हमारा 12-0-12 का जो ट्रांसफार्मर है ये इसके साथ कनेक्ट हो गया है। बाकी हम जो इसकी वायरिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम ट्रांसफार्मर के जो वायर हैं, जो हमारे कंप्लीट बॉक्स है हमारा, उसमें जो AC सप्लाई है उसके साथ हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, और बाकी इसमें हमारा स्पीकर आउटपुट, सबवूफर आउटपुट, और हमारा जो सबवूफर का सेक्शन है, जैसे कि हमारा इनपुट का जो सेक्शन है, इनपुट सेक्शन, ऑडियो इनपुट, और जो वॉल्यूम कंट्रोलर है हमारे बेस का, वो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे जो AC के जो वायर हैं हमारे बॉक्स में, इसे हम इस जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके वायर के साथ देते हैं। यहाँ पर हमने दोनों वायर को यहाँ पर सोल्डर कर लिया है, और हम यहाँ पर जो सिंकेबल ट्यूब है इसे यहाँ पर लगा करके इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इस मॉड्यूल को हम डबल साइडेड टैप से चिपका लेते हैं। ये हमने इसे डबल साइडेड टैप लेकर के इसे फिक्स करना है हमें। तो यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया है, और इसका जो LED इंडिकेशन है वो हमने इस तरफ कर दिया है ताकि हमें LED इंडिकेशन दिख सके। जो सारे वायर हैं वो एक साथ कनेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर ये हमारे स्पीकर का वायर है, और ये हमारे इस स्पीकर के ये दोनों वायर हो गए हैं। ये हमारे सबवूफर का वायर है, और ये हमारा ऑडियो इनपुट का वायर है। जी यहाँ पर हमारे जो वायर हैं, ये जो 3 वायर हैं जी, ये मैंने रिमूव कर दिए हैं क्योंकि अभी इसे हमें फ़िट करना है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के 3 वायर हैं, तो चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑडियो किट को यहाँ पर रखते हैं, और पर हमारा जो वायर है उसे हम कनेक्ट करते हैं। ये दोनों वायर हमारे दोनों स्पीकर के वायर हैं, तो इन्हें हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इस पर जो हमारा माइनस वायर है उसे हमें एक जगह कनेक्ट करना है, तो इन दोनों को हमने माइनस, ये हमारे माइनस में कनेक्ट है स्पीकर के, तो इसे हमने माइनस में कनेक्ट कर दिया है, और इसे हम यहाँ पर
ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे ग्राउंड में कनेक्ट हो गए और ये हमारे दोनों प्लस टर्मिनल हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, हमारे यहाँ पर जो वायर कनेक्ट होंगे, हमारा जो मिडिल पिन है यहाँ पर, ये मिडिल पिन हमारा रहेगा ग्राउंड, जो कि हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। और जो ऊपर का पिन है ये हमारा रहेगा प्लस, एक स्पीकर के लिए। तो हमने यहाँ पर एक स्पीकर कनेक्ट कर दिया है, दूसरा स्पीकर हम करेंगे यहाँ पर कनेक्ट। यहाँ पर भी कर सकते हैं या फिर इस पिन पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे दोनों स्पीकर की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इनकी वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा मिडिल वाला जो पिन है, ये हमारा ग्राउंड पिन है, इसे हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारे लेफ्ट राइट हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पिन नंबर 5 में हमें कनेक्ट करना है और पिन नंबर 2 में हमें कनेक्ट करना है। तो ये हमारा पिन नंबर 2 है, इसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो ये हमारे ऑडियो इनकी वायरिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अभी हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर और साथ ही हमारे जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर है उसे कनेक्ट करना है और सब वूफर की वायरिंग करनी है। यहाँ पर सब वूफर के जो वायर हैं उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो ग्राउंड वायर है वो ग्रीन वायर है, तो हम यहाँ पर ग्राउंड में इसे कनेक्ट कर लेंगे। इसे हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारा ग्राउंड कनेक्ट हो गया है। और ये हमारा प्लस वायर है जो कि हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। ये हमारे सब वूफर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसमें वॉल्यूम कंट्रोलर और हमारे ट्रांसफार्मर के वायर कनेक्ट करने हैं, बाकी हमारी सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम वॉल्यूम कंट्रोलर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ग्रीन वायर हमारा रहेगा ग्राउंड और ये हमारा जो येलो कलर का वायर है ये हमारा रहेगा इनपुट और ये हमारा आउटपुट वायर रहेगा। तो इन इनों वायरों का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ओनली हमें ट्रांसफार्मर के वायर कनेक्ट करने हैं और इस बैक पैनल को हम लगा करके साउंड टेस्ट कर लेते हैं। इसे हम कनेक्ट कर देते हैं साइड में और हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर के वायर कनेक्ट करके इसका साउंड टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे साउंड वायर की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है और देखने में कुछ इस प्रकार से हमारा साउंड वायर लग रहा है। साइड में हमने यहाँ पर बेस कंट्रोल के लिए एक नॉब लगा दिया है जो कि हमारे बेस कंट्रोल में हेल्प करेगा इस प्रकार से। और हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट होने के बाद पीछे से हमारा पैनल इस प्रकार से लगेगा और फ्रंट से इस प्रकार, और ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो बॉक्स रखा हुआ है इस बॉक्स को बनाएंगे। ये भी हमारा 2.1 बॉक्स रहेगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आप इस बॉक्स को कैसे बनाना है जो कि हमारा 2.1 बॉक्स रहेगा, तो उसकी भी आप वीडियो स्किप ना कर दें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसे हम फर्स्टली कनेक्ट करते हैं मेन पावर सोर्स से, यानी कि एसी सोर्स से। ये हमारा एसी सोर्स से कनेक्ट हो गया है। अब हमारा जो साउंड बार है वो हमारे इस मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया है और आप देख सकते हैं जैसे कि साउंड बार हमारा ब्लूटूथ मोड में है। डायरेक्टली हमने इसे ब्लूटूथ मोड में कर लिया है और इस फोन से कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए इसमें एक गाना प्ले करते हैं। आप इसकी लाउडनेस देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।